फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का एक बॉल डेकोरेट करना बताऊंगी और ये बहुत इजी है। आप कभी भी इसको एनी ओकेजन आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके कोई घर पर बर्थडे पार्टी है या क्रिसमस है या दीपावली डेकोरेशन पे आप इसे साइड हैंग कर सकते हो, रूम मिडिल हैंग कर सकते हो, आप इसे कहीं भी यूज में ला सकते हो। और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह का टिश्यू पेपर हमको लगेगा। टिश्यू पेपर को हमको इसका ये जो फ्लावर हमने बनाया है, कुछ इस तरह के फ्लावर्स हमको बनाने हैं सर्कल्स, जो हमने टिश्यू पेपर की मदद से बनाए हैं। और वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं इसको बनाने के लिए हमें इस तरह का टिश्यू पेपर लगेगा। इस टिश्यू पेपर को इस साइड से हमें बीच में से कट करना है। बीच में से कट करने के बाद में इसको इस तरह से खोल के इसको फिर से मिडिल एरिया से ही कट करना है। ये हमारे पास कुछ इस तरह से, ये एक टिश्यू पेपर से 4 पीस हमारे पास कट जाएंगे। आपके पास कलर टिश्यू पेपर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ये सिंपल व्हाइट कलर का जैसे मैं यूज कर रही हूँ, आप वो भी यूज कर सकते हो। उसके लिए हमको कुछ ये टिश्यू पेपर को कुछ इस तरह से यहाँ इस तरह से इसको घुमाते हुए, इसको थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए ऐसे बनाना है। आप पेस्ट भी कर सकते हो साथ के साथ, ताकि ये निकलेगा नहीं। इसको ज्यादा ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिश्यू पेपर बहुत सॉफ्ट होता है तो वो फट जाता है। इसलिए आप इसे स्मूथली धीरे धीरे इसको ट्विस्ट देते हुए इस तरह से इसको एक हमें सर्कल बनाना है। फ्रेंड्स, बॉल के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मार्केट में आपको थर्माकोल की बॉल मिल जाएंगी वाइट कलर की। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हो और काफ़ी महंगी, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का ये हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा। मैं एक सर्कल और आपको रेडी करके बताती हूँ। हाँ, ये साइड को हमें पीछे पेस्ट करना है। तो हमको वो थर्माकोल की बॉल मिल जाती है, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ती है। इसलिए आप अगर चाहो तो आप न्यूज़पेपर को भी रोल करके बॉल का शेप दे सकते हो और उसके ऊपर आप कोई भी टेप लगा के उसको राउंड बना सकते हो। इसके अलावा आजकल आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में छोटा बच्चे हो गए तो छोटे बच्चे कुछ इस तरह का एक कैडबरी का जेम्स का बॉक्स आता है, ये भी राउंड रहता है। मैं यही बॉल के ऊपर इस तरह का कुछ, ये बॉल मैंने टिश्यू पेपर को पेस्ट करके इस तरह का कुछ मैंने इसको तैयार किया है। इसके लिए हमें टिश्यू पेपर के कुछ छोटे छोटे पीसेस कट करने के बाद में फेविकॉल में उसको डिप करके हमें इसके ऊपर लगाना है। इससे ये रहता है कि इसके ऊपर हम कुछ भी पेस्ट करेंगे ना, वो निकलेगा नहीं। अदरवाइज हम प्लास्टिक के ऊपर ग्लू गन से कुछ भी पेस्ट करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप ही निकल जाता है। हम उसके ऊपर टिश्यू पेपर लगा के पेस्ट करेंगे तो वो निकलेगा नहीं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसको एजेस को हमको यहाँ इसको ग्लू लगाने के बाद में इसको इस साइड पे इस तरह से पेस्ट करना है, ताकि ये जो नीचे हमने फेविक गम कम लगाया है ना, तो वो निकलेगा भी नहीं और इसको मजबूती भी मिलती है पीछे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह के सर्कल हमने बना के तैयार किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको बॉल के ऊपर कैसे पेस्ट करना है। इसको हैंग करने के लिए हम इस तरह का रेड कलर का रिबन यूज करेंगे, तो उसको हम पहले ही पेस्ट कर देते हैं। इतना रिबन मैं इसको हैंग करने के लिए यूज करूंगी। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और ये बॉल के ऊपर, ये देखिए इस बॉल के ऊपर पहले ही हम इसको पेस्ट कर देंगे। कुछ इस तरह से बस ये ध्यान रखिए, ग्लू गन आपका गर्म हो लेकिन वो आपको हर्ट ना करे। ये इस तरह से, ये हमारा, इसके बाद में हमको एक फ्लावर जैसा लगाना है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी हम इसको, ये जो हमने फ्लावर जैसे बनाया उसको हम कैसे पेस्ट करना है ये। ये इस तरह से हमको इस पे चिपकाना है। आपके पास अगर ग्लू गन अवेलेबल नहीं है तो आप फेविकॉल से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये टिश्यू पेपर के ऊपर है तो वो फेविकॉल से भी इजीली पेस्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इस साइड से हमें लेना है, जहाँ हमने पेस्ट किया ना वो साइड को हमने बैक साइड पर रखना है और इस तरह से इसको दबाते हुए पूरा अच्छे से प्रेस करते हुए इसको लगाएंगे इसके एकदम नज़दीक। इसको हाथ से दबाते हुए कुछ इस तरह बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक राउंड सर्कल बनाया है। अब इसके बाद में ये इस तरह का हुआ है। अब इसके बाद में हमको इस साइड से इसको यहाँ एक मिडिल एरिया में आप डालेंगे तो वो वहाँ नीचे जो स्पेस है वो नहीं दिखेगा और वो अच्छे से कवर भी हो जाएगा। ये इस तरह से आप इसको चिपकाते हुए ही डालिए ताकि ये यहाँ स्पेस कम रहेगा। फ्रेंड्स, ये चीज़ें हम मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपने घर बना के इनको डेकोरेट करते हैं तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देती है और उसके बाद में अपना देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए, हम अपने हाथ से अपने घर को सजाते हैं तो वो हमको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। मार्केट में हम हर चीज़ मिल जाती है लेकिन अपने हाथ से कुछ चीज़ बनाई हुई वो कुछ अलग ही होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक इस तरह से है और ये लास्ट में बन के कुछ इस तरह से तैयार होगा। इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज। बाय बाय।